गुड इवनिंग एंड नमस्ते आप सभी को। तो ये गार्डन का जो गेट है, ये गेट है, यहाँ से एंट्री हम कर चुके हैं। आप सीधे भी जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीधे भी जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ से सीधे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे बगल से ही जा रहा हूँ। मैं ये बगल से ही रास्ते से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या मतलब कि हर चीज़ का जो कटिंग है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। और ये मालूम नहीं किस चीज़ का ये ट्री है, लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई तक गया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो ये रोड बनाए हुए हैं, ये जो ज्वालामुखी का जो बहुत साल पहले 1600 ईस्वी में जो पहले आया हुआ था, उसी ज्वालामुखी के जो पत्थर से उसको उसका जो तत्व था उसी से काट काट के बनाया गया है ये सारा रोड। ये पब्लिक प्लेस है, खेल भी सकते हैं यहाँ लोग, ऐसा सारा चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लोग खेलते भी हैं, घूमते भी हैं, बैठते भी हैं। ये वो जगह है, ये वो घड़ी है जिस घड़ी की मैं अक्सर बात करता हूँ। देख सकते हैं, यही वो घड़ी है जो चेंज होती रहती है, पता नहीं मालूम नहीं कैसे चेंज होती है, लेकिन हाँ उसका टाइम सही है, करेक्ट है, टाइम करेक्ट टाइम बताती है। तो मैं ये रास्ते से नहीं, आज मैं दूसरे रास्ते से होके जा रहा हूँ। आज एक्चुअली जो इटली में है वो दो दिन छुट्टी रहता है, सैटरडे एंड संडे। तो वो आज सैटरडे का है शाम है, तो सारे लोग हैं। सो जो गार्डन है वो बने हुए थे, तो जो फुल अप्रोक्सल इंडिया की जैसे ही लगे रहते हैं। ये वो सेम पत्थर है जिसकी मैं बात अक्सर करते रहता हूँ कि वो जो वोल्केनस से जो कट पिट के जो बना हुआ है वो उसी पत्थर से बना हुआ है। ये वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था। आज 5 नवंबर है, 5 नवंबर है, वो चेंज हो चुका है। शायद मैं भी हो सकता है किसको डेली आके कोई किया जाता होगा, चेंज किया जाता होगा, शायद पॉसिबली तो यही लग रहा है। ऊपर में भी सीन है, लेकिन ऊपर में मैं नहीं जा रहा हूँ, ऊपर वाले ज़्यादातर मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ। तो आज जितना सारा है, जितना सारा आज नीचे से ही दिखाने वाला हूँ। शाम के 4 बजे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। शाम को ऐसा लगता है कल रात में पानी गिरा था, क्योंकि जब मैं उस टाइम बाहर निकला था तो थोड़ा सी पानी गिर रही थी,
अगर आप दोस्तों के साथ आओ तो बहुत रियली में मज़ा आने वाला है यहाँ पे। ये फुटबॉल के लिए जगह है, आई थिंक फुटबॉल के लिए खेलने के लिए जगह बनाया गया है। वहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, व्हाट गार्डेनो बेलिनी। आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेलिनी यहाँ के जो एक संगीतकार थे, कंपोजर थे, कोई म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, तो वो बेलिनी के नाम पर ही ये गार्डन को शायद बनाया गया है, वो गार्डेनो बेलिनी। ये साइकिल के लिए है, यहाँ पे साइकिल राइड कर रहे हैं। मौसम थोड़ा ठंडा है, इसीलिए सब जो ठंडे कपड़े रहते हैं वो सब ले के चलते हैं, बेसिकली जितना सारे लोग हैं लगभग पहन के चलते ही हैं। वो नाइस, एक अच्छा जगह मिला है यहाँ पे, मैं भी चलता हूँ वहीं पे। काफ़ी बड़ा ये गार्डन है, यहाँ पे पानी है, एक प्लेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे लगता पानी रखा गया है। ऐसा आपको फील बिल्कुल भी नहीं होगा कि मुझे कोई नया जगह पे आ गए, एकदम पुराने ज़माने का, जो जितने सारे चीज़ें पुराने ज़माने का, ये मेनली इटली में, इटली का जो सिसिलिया ये स्टेट है, और ये पूरा स्टेट में ही ऐसा लगता है कि आपको एकदम ओल्ड जितना ओल्ड टाइप के मिलेंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये मैं पहले भी बताया था कि ये जितना सारा चीज़ है, ये जो ज्वालामुखी से जो निकला था उसको जब काट के बनाया गया, ये पर्टिकुलर एक शेप दे के यहाँ पे बनाया गया है। हर आकृति दिया हुआ है, मतलब कि अच्छे तरीके से बनाया गया है कि लोग आए, और यहाँ बेसिकली ही बनाया गया है घूमने के लिए। ये गार्डन है, पब्लिक प्लेस है, यहाँ ना कोई चार्ज देना पड़ता है। बहुत अच्छी तरीके से, काफ़ी बड़ा है, ऊपर का पार्ट अभी मैं आपको दिखाया नहीं, ऊपर का पार्ट पिछले वीडियो में है, तो ये आप लोग को ये ऊपर से सीढ़ी चढ़ने का है, ये कहीं और से आने के लिए, ये आप देख सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से वहाँ से सीढ़ी आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर में भी रोड होगा आपको। यहाँ पे एक गुफा है, गुफा में अच्छे खासे बनाया गया है देखने के लिए, मतलब लुकिंग वाइज की अच्छा से तरीके से हो तो वो लुकिंग वाइज बनाया गया है। उधर और बड़ा है, आगे भी कुछ होंगे लेकिन मैं आगे नहीं जाने वाला हूँ। खेलने के लिए कोई जगह होगा वो,
ये फील्ड है। अब ये फील्ड किस चीज़ की है ये मैं करेक्ट तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि ये किस चीज़ की फील्ड है, लेकिन हाँ मतलब कि मिट्टी टाइप का ही है सारा, वो जो इरप्शन है सारा यहीं पे पड़ा हुआ है। ये बैठने का जगह है पूरा, ये पूरा बैठने का जगह है। अब यहाँ पे आए टाइम स्पेंड कर सकते हैं काफ़ी टाइम। ये मेनली ये तो आपको 24 आवर खुला रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। चाव एक्चुअली चाव को यहाँ हेलो बोलते हैं, चाव मतलब हेलो होता है, हाय हेलो। के यहाँ पे भी जा सकते हैं, इधर ये ऊपर जाने का रास्ता भी है। यही है गार्डन ऑफ बेलिनी। कैसा लगा गार्डन आप? तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये गार्डन। सॉरी, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये गार्डन आपको देखने के लिए, ये गार्डन बेलिनी। आगे काफ़ी लंबा चौड़ा में है, कभी और जाएंगे तो जो बाकी का जो पोर्शन है वो आप लोग को दिखा देंगे। तो देखिए और बताइए, ज़रूर बताइएगा कि ये गार्डन आपको कैसा लगा, और आपको घूमना चाहोगे कि नहीं, एक बार आप घूमना चाहोगे कि नहीं, ये भी ज़रूर कॉमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर कि आप घूमना चाहोगे या नहीं। नाइस गार्डन, बहुत अच्छा ही है, आप घूम सकते हो। बहुत जो यूनिक जो तरीके से लग रहा है ना।